हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी हुई हो। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फैक्ट्स, इन्फेरेंस एंड जजमेंट्स पार्ट टू। बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आई कि इसमें हम क्वेश्चंस और कंटिन्यू करें, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें बनाऊंगा और नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट लेसन हमारा होगा उसमें मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा फैक्ट्स, इन्फेरेंस, जजमेंट्स के क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो। थोड़ी सी डिमांड लेट आई, तब तक मैं इस प्रेजेंटेशन को बना चुका था। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस करने हैं। इसमें आप देख सकते हो टाइटल क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अभी तक हमने अजम्पशंस किए, इन्फेरेंसेस किए, कंक्लूजन्स किए, कोर्स ऑफ एक्शन देखा, कॉज इफेक्ट्स देखे। कुछ इस तरीके के सवाल भी IBPS PO मेंस में पूछे जाते हैं, जहां पर आपसे डायरेक्टली रीजनिंग पूछ ली जाएगी, ठीक है, यानी आप रीजन कर पाते हैं कि नहीं, ये चीज चेक किया जाएगा कि आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है। आपको कुछ ऑलरेडी एक पैसेज दिया होगा, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको बताना होगा कि क्या इसमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कोई पर्टिकुलर रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब रीजनिंग हम थ्रू आउट करते आ रहे हैं, तो हमें रीजन करना तो बहुत ही आसान होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ एम्बिग्यूटीज होती हैं, तो हम कैसे उन एम्बिग्यूटीज को रूल आउट करेंगे वो हम इस लेसन में भी सीखेंगे। चलिए, और हम जैसे हमेशा क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। पहले डायरेक्शंस जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, तो पहले डायरेक्शन देख लेंगे। इन द क्वेश्चन बिलो अ स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय 3 सिचुएशंस विच मे और मे नॉट डिपिक्ट रीजंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे जितने भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं, आने जो इस थ्रू आउट आप देखोगे, सब में डायरेक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। एक स्टेटमेंट दिया होगा नीचे, उसके बाद 3 सिचुएशंस दी होंगी जो कि उस विच मे और मे नॉट डिपिक्ट द रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब यहां पर वो जो स्टेटमेंट है वो दिख रहा है यहाँ नीचे आपको, ये रहा वो स्टेटमेंट, ठीक है। पर हम पहले स्टेटमेंट क्यों पढ़े, पहले हम पैसेज देख लेते हैं, थोड़ी सी हिंट हमें मिल जाएगी कि हमें क्या पूछा गया है। तो पहले हम सबसे पहले स्टेटमेंट ना देख करके एक अपनी एम्बिग्यूटी को कम करने के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमारी एम्बिग्यूटी बढ़ जाएगी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्टली पहले पैसेज देखते हैं ताकि हमें एक जिस्ट का आइडिया हो जाए, फिर हम स्टेटमेंट पे वापस जाएंगे और फिर हम सिचुएशंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक स्लाइड में तो मैं सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकता था, तो पूरा क्वेश्चन कंटिन्यूड है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे पैसेज यहाँ पर और ना कि स्टेटमेंट, तो पैसेज पहले देखेंगे कि पैसेज क्या कह रहा है, तो हमें एक हिंट मिल जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन, PE इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखा गया है, प्राइमरी एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेयर एन इंडिविजुअल एक्वायर्स द नेसेसरी एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन तो हमें पता ही है, जब हम नर्सरी में जाते हैं, KG में जाते हैं, प्रेप स्कूल में जाते हैं, जब कोई छोटा बच्चा 3 ईयर्स 4 ईयर्स का स्टार्ट करते हैं अपने स्कूलिंग, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, क्लास 1 से वहाँ पढ़ाई होती है, बट अब फॉर्मल एजुकेशन को हम प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है वो एबिलिटी टू रीड एंड टू राइट एंड परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन विद द नंबर्स, लाइक हम सीखते हैं कि 1 2 3 क्या चीज़ होती है, ABCD हम पढ़ना शुरू करते हैं और हम राइम्स पढ़ते हैं, तो हमारी एक बेसिक इनफॉर्मल एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। P is an essential foundation and an indispensable prerequisite for all future school and lifelong learning. अब जिस बच्चे ने prep school नहीं किया होगा और उसको हम directly class 1 की पढ़ाई start करा दे, तो obviously बात है वो jumbled हो जाएगा उसका mind, वो puzzled हो जाएगा, क्योंकि उसने तो कभी पीछे से कभी ये नहीं समझा कि colors ABCD और 1 2 3 ये सब होता क्या। अगर हमें पता है कोई red color red होता है, क्यों इस चीज़ को सिखाना एक छोटे से बच्चे को एक बहुत ही tough challenge हो सकता है। कैसे आप एक बच्चे को सिखाओगे कि ये रेड कलर है, कैसे आप उसको सिखाओगे कि ये ब्लू कलर है, उसको वो चीज़ दिखानी होगी, उसको उसको समझाना होगा, उसको उसको क्लियर करना होगा, बहुत ही टफ चैलेंजिंग जॉब होगा एक प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं, वो कितना अपना एक छोटे 3 साल 4 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है एज़ पर कम्पेयर टू हायर एजुकेशन में पढ़ाना। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे हम, लेकिन हमें एक जिस्ट तो समझ में आ गया पैसेज का। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, क्या हमसे पूछा गया है।
तो यार क्लियरली लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रीजन, यहाँ रीजन पूछा है, दैट चिल्ड्रेन हु आर नॉट एबल टू रीड बाय द एज ऑफ 10 यूजुअली फाइंड इट चैलेंजिंग टू ग्रैस्प द एबिलिटी टू रीड इन लेटर ईयर्स ऑफ देयर स्कूलिंग। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं एट द एज ऑफ 10 ऑल्सो, और दे फाइंड इट चैलेंजिंग टू ग्रैस्प द एबिलिटी टू रीड इन द लेटर ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, मतलब 10 साल तक के बच्चे को अगर रीडिंग नहीं आती है तो आप उसको, अगर वो और बड़ा हो जाएगा 15 ईयर्स की एज में चला जाएगा 20 ईयर्स की एज में चला जाएगा तो भी उसकी लेटर एबिलिटी बहुत ही कम होगी, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा उसको। यानी कि अगर आप 10 साल से स्टार्ट करते हैं स्कूलिंग किसी बच्चे की तो वो बहुत ही इफेक्टिव नहीं होने वाली। ऑब्वियसली प्राइमरी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल यहाँ बताने की कोशिश की, यानी क्लास आप प्री प्रेप से 3 साल के बच्चे से लेके 3 ईयर्स के बच्चे से लेके 10 ईयर्स तक का जो उसका स्टेज है पढ़ाई का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसने उस दौरान रीडिंग नहीं सीखी तो वो आगे अपनी लाइफ में कुछ भी पढ़ना लिखना सीखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताने की कोशिश की गई है, मतलब ये पूछने की कोशिश की गई क्या ऐसे रीजंस होंगे जिस वजह से ऐसा हुआ होगा। आई होप आपको आइडिया आ गया, अभी आइडिया और आएगा जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सिचुएशंस दिए गए हैं और हमें उसमें चूज करना होगा कि वो कौन से ऐसे वैलिड रीजंस होंगे जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं सिचुएशन की तरफ। तो ये रही सिचुएशन, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नो प्रॉपर एक्सेस टू स्कूल्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन। क्या ऐसा है कि क्या कोई एक्सेस नहीं है स्कूल्स का प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के हमारे देश में? क्या ये रीजन हो सकता है जिस वजह से ऐसा हुआ हो? ऑप्शन 2 देखते हैं, एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस विच शुड स्टार्ट एट एज ऑफ 3 ईयर्स एज मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ये तो हमने इको किया अभी, ये हमने इमोशनल सेंस से जानते थे कि अगर मैं, मेरा ब्रेन डेवलपमेंट आप देखोगे छोटे बच्चे का वो 3 ईयर्स की एज में होना शुरू हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा होता है एज पर कम्पेयर टू 10 ईयर्स। वो तो आपने बताया 10 साल के बच्चे की अगर आप एबिलिटी नहीं है रीडिंग की तो फ्यूचर लाइफ में तो वो बहुत मुश्किल है उसका कि वो बाकी कुछ भी पढ़ सके, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि 3 साल के बाद से ही होना शुरू हो जाता है। और रही बात एक्सेस टू स्कूल्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन, इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि अब तो ज़्यादातर आप देखोगे स्कूल्स प्राइमरी एजुकेशन देते हैं और बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। और ये बहाना बनाना कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमारे ऑल ओवर द कंट्री स्कूल्स बहुत कम है एंड देर इज़ नो एक्सेस टू इट, ये तो बहुत ही अजीब सा और वेवर्ड आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हाँ 2 एक बहुत ही लाइकली आंसर हो सकता है, एक बहुत ही परफेक्ट रीज़न हो सकता है कि क्यों एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अगर हम देखें वो अगर आप उसको 3 ईयर्स की एज में वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो तो वो 10 ईयर्स की एज में तो कैसे वो एबिलिटी उसके अंदर वो रीड करने की आएगी, तो एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है। ऑप्शन 3 क्या कहता है चलिए वो भी देखते हैं, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज लैक कोऑर्डिनेशन विद स्कूल टीचर्स। क्या ऐसा है, क्या ऐसा कुछ एविडेंस मुझे अपने पैसेज में देखने को मिला था? जी नहीं, इस बारे में तो आपने कोई बात नहीं की, तो बहुत ही सुपरफ्लू स्टेटमेंट होगा, कोई ऐसा प्रूफ मुझे अपने पैसेज में नहीं मिला। आपने पैसेज फिर दिया ही क्यों? पहले मुझे पैसेज को भी देखना है, उसमें अपना जो लॉजिकली जो मैं निकाल सकता हूँ इन्फॉर्मेशन पहले वो मैं निकालूंगा। तो जब मैं पैसेज की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में थ्रू आउट बात की गई कि क्यों प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये तो कहीं से इको होता हुआ नहीं दिखा। तो बहुत हद तक देखा जाए तो 1 और 3 एक अच्छे आंसर नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, सिर्फ 2 एक हमारा आंसर होता हुआ निकल रहा है। तो हम 1 और 3 को रिजेक्ट कर सकते हैं और 2 को क्लियरली आंसर में ला सकते हैं। क्या मेरा ऑप्शन है दिया हुआ है ओनली 1? ऑप्शन ए बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, बोथ 1 और 2 हो सकते हैं। जी नहीं, हाँ ओनली 2 मुझे दिखता है, बहुत ही अच्छा क्लियर आंसर होगा, तो डी और ई को भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ और मेरा ये क्लियर आंसर होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्रॉस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं बढ़ूंगा ऐसे ही सिमिलर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही स्टेटमेंट्स दिए होंगे, एक स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है और पूछा गया है उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन। तो हम इसको ना पढ़ते हुए पहले पैसेज देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक जिस्ट का आइडिया हो जाए और फिर हम बहुत आसानी से सिचुएशंस को देख करके ये चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो द इकोनॉमी श्रैंक इन अप्रैल जून क्वार्टर, यहाँ पर एक फैक्ट देने की कोशिश की गई है, बाई 23.9% एन अनप्रिसिडेंटेड फॉल। ये तो हमें दिख गया भाई, ऑब्वियस बात है 23.9% से अगर आपका इकोनॉमी श्रैंक कर जाए, नेगेटिव में ग्रोथ चली जाए, इट इज़ अ वेरी अनप्रिसिडेंटेड फॉल, बिल्कुल।
इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स. अब इसने एकदम क्लियर पिक्चर दी है, इस डेटा ने हमें एकदम क्लियर पिक्चर दी है. उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ हमारे देश में, अप्रैल जून का जो क्वार्टर था, क्योंकि मार्च में ही लॉकडाउन हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस दौरान आउटब्रेक ऑफ COVID-19 में से हमें लॉकडाउन करना पड़ा और हमारी इकोनॉमिक डैमेज तो होनी ही होनी थी, ये तो मालूम था. तो एक डेटा हमें मिल गया था, एक ओवरव्यू मिला हमें थ्रू आउट. ऊपर से अगर टॉप ऑफ द व्यू हम देखें इकोनॉमी का, तो माइनस में चली गई हमारी इकोनॉमी 23.9%. चलिए ठीक है. अब क्या पूछा गया स्टेटमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन दैट द गवर्नमेंट मस्ट मूव टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑन द वॉर फ्रंट वॉर फुटिंग. मतलब गवर्नमेंट को ऐसा क्या ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसा करना चाहिए इकोनॉमी को वॉर फुटिंग के तहत, जैसे कोई युद्ध हम लड़ने जा रहे हों, इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए. विच इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें जो अब जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स फॉलो होंगे हमें उसमें एक वैलिड रीजन ढूंढना है कि क्यों गवर्नमेंट शुड मूव वेरी स्विफ्टली उनको मूव करना होगा, इतनी तेजी उनको दिखानी होगी, कुछ बहुत तेजी से रिफॉर्म्स लाने होंगे ताकि हमारी इकोनॉमी फिर से पटरी पे आ पाए, वो भी वॉर फुटिंग पे, यानी कि युद्ध स्तर पे हमें उसमें मेहनत करनी होगी. चलिए देखते हैं क्या है सिचुएशंस. तो पहला देखते हैं स्टेटमेंट, ये रहा, इंडिया इज पॉसिबली द वर्स्ट परफॉर्मर अमंग द मेजर इकोनॉमीज. क्या ये हम बोल सकते हैं पैसेज को देख करके, क्या ऐसा कुछ इको हुआ कहीं पे भी? नहीं, ये तो आपने इस तरीके की तो कोई बात ही नहीं की आपने, ये तो हमें बताया ही नहीं कि इंडिया का एज अ कंपेयर्ड अदर इकोनॉमीज से उसका क्या कंपैरिजन है, मैंने इस बारे में तो बात नहीं की. हाँ, ये ज़रूर बताया कि 23.9% से हम कॉन्ट्रैक्ट कर गई मेरी इकोनॉमी, ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है, तो ये तो मुझे पता था, बट ये नहीं पता था तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ एज अ वैलिड रीज़न फॉर गवर्नमेंट शुड हेस्ट टू प्रोवाइड सम स्टिमुलस पैकेज और समथिंग सो दैट द इकोनॉमी इज रिवाइव्ड एट द वॉर फ्रंट. मतलब युद्ध स्तर पे उसे करना होगा. तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट टू क्या कहता है. द स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट मे नॉट बी वर्किंग. क्या ये एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी काम में नहीं आ पा रही है? हाँ, हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता. आपने कुछ ऐसा अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अनाउंस जितना अभी तक उन्होंने प्रोवाइड किया है डेटा या किसी तरीके का पैकेज, तो हमें उससे एक आइडिया तो लग गया है कि इट इज़ एक्चुअली नॉट वर्किंग. अगर आप कुछ पॉजिटिव डेटा देते या कुछ पॉजिटिव पैकेजेस अनाउंस करते तो हमारी नंबर्स बढ़ते, शेयर मार्केट हमारी ऊपर जाती, कुछ इंडेक्सेस ऊपर जाते, कुछ हमारी मार्केट ऊपर जाती, लोगों का कॉन्फिडेंस होता उस पर. ऑब्वियसली बात है, देर इज समथिंग, देर इज सम रीज़न बिहाइंड इट, एंड इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबल रीजन्स कि हो सकता है गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दिए वो इतने इफेक्टिव ना हो जिस वजह से हमारी इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. हाँ, ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है. इट्स अ प्लॉसिबल, नॉट पॉसिबल, आई विल से इट इज अ प्लॉसिबल रीज़न. क्यों ये इंडक्टिवली 70-80% इस बात के भी चांसेस हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा रीज़न बन सकता है. ठीक है, तो मैं इसको एक प्रॉपर टिक मार्क करता हूँ और ये इसको रिजेक्ट करता हूँ. ऑप्शन थ्री देखते हैं. स्टेटमेंट थ्री कहता है द डैमेज टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ड्यू टू पैंडेमिक एंड लॉकडाउन्स हैव डिस्टर्प्टेड द बिजनेसेस. अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस रीज़न हो सकता है, बिल्कुल क्लियर रीज़न हो सकता है कि पैंडेमिक की वजह से हमारे लॉकडाउन्स की वजह से हमारे बिजनेसेस बिल्कुल ठप पड़े थे, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो. तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है. स्टेटमेंट टू और थ्री दोनों ही इंडक्टिव आंसर्स हैं. 80-90% आप देखोगे दोनों ही चांसेस बन रहे हैं जिस वजह से गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़ा कारण मिलेगा तेजी दिखाने के लिए, ताकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ रिवाइव कर पाएँ ग्रोथ को. हमारा जो -23.9 है वो जीरो या लेवल या प्लस पॉजिटिव लेवल पर किसी तरह वो आए, उसके लिए हमें युद्ध स्तर पर कुछ कार्य करने होंगे. और उसका रीज़न क्या है, ये दो और तीन बहुत ही क्लियर रीज़न होते हुए दिख रहे हैं. क्या मुझे कहीं दिख रहे हैं ऑप्शन में? ओनली वन दिखता है, ऑप्शन ए दिखता है ओनली वन. जी नहीं, ओनली वन तो मैं पहले रिजेक्ट कर चुके हैं. बोथ वन एंड टू, जी नहीं, वन तो बिल्कुल रिजेक्टेड है. क्या ओनली टू हो सकता है आंसर? नहीं, क्योंकि थ्री भी है, तो बोथ टू एंड थ्री पे हम क्लियर कर सकते हैं. ऑप्शन डी हमारा क्लियर आंसर होगा. ठीक है, आप इसका सोल्यूशन अगर देखना चाहें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री. सेम सब कुछ, सेम डायरेक्शंस होंगे. यहाँ पर भी तीन सिचुएशंस हैं स्टेटमेंट के बाद और आपसे पूछा गया है. पहले पैसेज जरूर देख लें ताकि हमें एक जस्ट आइडिया हो जाए कि हमें करना क्या है. इवन बिफोर वी एंटर द कोविड क्राइसिस इंडिया वॉज कॉन्स्ट्रेंड बाय शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स नर्सेज बेड्स एंड कम्युनिटी आउटरीच पर्सनल लाइक आशा वर्कर्स.
यानी कि लॉकडाउन से पहले भी, यानी कि कोविड सिचुएशन से पहले भी हमारे पास, हमारे देश में आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और बेड्स की ऑलरेडी कमी थी। इवन जो कम्युनिटी आउटरीच पर्सनल्स हैं, जैसे आशा वर्कर जाते हैं आंगनवाड़ी, वो लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, वो भी उनकी भी शॉर्टेज थी। वर्कर्स वर वेरी लेस एज पर कम्पेयर टू नंबर ऑफ हाउसेज या नंबर ऑफ कम्युनिटीज़। उनके बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा ऑलरेडी हेल्थ केयर सेक्टर में शॉर्टेज चल रहा था। विद बेटर नो हाउ ऑन ट्रीटिंग कोविड, रिस्टोरिंग अ सेंस ऑफ बैलेंस टू आर हेल्थ केयर, रिस्पॉन्सिस कांट वेट लॉन्गर। मतलब अब वो सिचुएशन है कोविड के आने के बाद कि अब हमारे जो हेल्थ केयर में जो प्रोग्राम्स हमारे होने चाहिए थे या हमारे रिस्पॉन्सेज जो होने चाहिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, वो अब इंतज़ार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब एक हेल्थ क्राइसिस है और आने वाले समय में अगर आप कोविड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप बाकी डिजीज के लिए क्या करोगे, है कि नहीं? तो ये एक इको होता हुआ कंडीशन दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि विथ बेटर नो ऑन ट्रीटिंग, मतलब हमें कोविड को ट्रीट करते करते हमें बाकी चीज़ों को भी बैलेंस करता है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर बताया है कि कोविड से पहले भी हमारी सिचुएशन हेल्थ केयर को लेकर के वैसे भी शॉर्टेज में चल रही थी। आई होप आपको कुछ जिस्ट का आइडिया हो गया। तो अब यहाँ क्या सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन दैट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट पॉन्डर हाउ बेस्ट टू रेडिकली एनहांस द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द अवेलेबल हेल्थ केयर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया गया, इनमें से कौन से जो आने वाले सिचुएशन है उनमें से कौन सा ऐसा रीज़न क्लियर होगा कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट पॉन्डर, मतलब उस पर ध्यान देना होगा, हाउ बेस्ट टू रेडिकली एनहांस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द अवेलेबल हेल्थ केयर। ये तो हमने ऊपर भी इको होते हुए देखा कि कैसे गवर्नमेंट को क्यों और कैसे एनहांस करना होगा अपने हेल्थ केयर को, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को भी, दोनों पे ध्यान देना होगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अनप्रोफेशनल वर्कर्स ले आए अपने सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो हमें ट्रेंड और हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, वहाँ पर स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स भी होने चाहिए तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और डॉक्टर्स और नर्सेज भी जो हों वो भी स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम देखेंगे सिचुएशन तो यहाँ से क्लियर करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या ऐसा रीज़न होगा। देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर आइदर डिनाइड और मिस्ड हेल्थ केयर एक्सेस इन इंडिया ड्यू टू कोविड पेशेंट्स नीडिंग हॉस्पिटल केयर ड्यूरिंग द क्राइसिस। ये तो हमने इको होता हुआ देखा था, ये बात हमने की थी कि कोविड से पहले भी जो हमारी डिजीजेज हैं उन पर हम कंट्रोल वैसे भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर शॉर्टेज में था, आशा वर्कर्स वगैरह हमारे पास नहीं थे, डॉक्टर्स पर्सनल हमारे पास ऑलरेडी कम थे, इक्विपमेंट्स भी ऑब्वियस बात है शॉर्टेज में रहे होंगे, तभी आपने पैसेज में इस तरीके की बात करी। तो अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रेशर पड़ेगा उन डिजीज़ के ऊपर, उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के ऊपर जिनकी अब कोई हार्ट का जिसका सर्जरी है उसको वेट करना होगा क्योंकि पर्टिकुलर हॉस्पिटल जो है वो कोविड हॉस्पिटल बन चुका है और फिजियोथेरेपिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट है नहीं, और उन लोगों का क्या होगा जो पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। हम समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी था गवर्नमेंट के लिए, और बहुत सी ऐसी डिजीज़ थी जिन पर हम अब कोविड की वजह से ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो कोमॉर्बिडिटीज होंगी तो उन लोगों के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु विल बी हु आर आइदर डिनाइड और मिस्ड हेल्थ केयर अक्रॉस एक्सेस इन इंडिया ड्यू टू कोविड पेशेंट्स नीडिंग हॉस्पिटल केयर ड्यूरिंग द क्राइसिस। बिल्कुल क्लियर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बढ़ाने चाहिए वर्कर्स और बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर पर ध्यान देना होगा, बिल्कुल। और चलिए देखते हैं स्टेटमेंट टू क्या कहता है। चिल्ड्रेन मिसिंग इम्यूनाइजेशन एंड एडल्ट्स नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एलमेंट्स वुड हैव वर्सन डिजीज आउटकम्स। इसको और क्लैरिफाई किया स्टेटमेंट वन को ही, स्टेटमेंट टू में बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई किया, बिल्कुल क्लियर बोला कि बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाया, आपने देखा होगा अक्सर वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलती रहती हैं चाहे वो बहुत ही सीवियर डिजीज से रिलेटेड हो, इम्यूनाइजेशन होता है उनका, वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों का, तो ऑब्वियस है जब अपने हॉस्पिटल्स बंद कर रखे हैं तो बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। ऐसे ही एडल्ट्स को जो जिनको ऑपरेशन कराना था, जिनको कुछ ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम था कोविड सिचुएशन की वजह से, उनको भी दिक्कत में आ गई होगी, और ये बात हमने इको होते हुए देखी थी स्टेटमेंट वन में भी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से इसको बता दिया है घुमा करके, दैट द एलिमेंट्स वुड हैव वर्सन द डिजीज आउटकम्स, रिसर्जेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसके, पर ये बहुत ही क्लियर रीजन होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस पर मेहनत करनी है। चलिए ठीक है, यानी वन और टू तो हमारा क्लियर आंसर होगा, थ्री दे होते हैं, थ्री को भी देखते हैं। देर इज़ नो एक्यूरेट डेटा फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर विद द गवर्नमेंट। क्या ऐसा कुछ है, क्या कोई एक्यूरेसी की बात की है थ्रू आउट हमने समझा इस बारे में? जी नहीं, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता कि प्राइवेट हेल्थ केयर का क्या डेटा है गवर्नमेंट के पास, इसका तो बहुत ही सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट होगा क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, इस बारे में मैं पैसेज को लेकर के भी कुछ नहीं बोल सकता। प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में कोई बात नहीं हुई थी,
थ्रू आउट हम सिर्फ हेल्थ केयर, ओवरऑल जनरल हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, तो इसका जो इंडक्शन है बहुत ही लेस होगा और बहुत ही सुपरफ्लुअस होगा, यानी कि ये तो रिजेक्ट हम कर सकते हैं। यानी वन और टू एक बहुत ही अच्छे रीजंस होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा हेल्थ केयर पे। तो क्या आंसर होगा? बोथ, ओनली वन, बोथ वन एंड टू, ओनली टू, ऑल ऑफ वन टू थ्री, नन ऑफ वन टू थ्री। सर यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर सिर्फ टू और थ्री होना चाहिए और छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, ऑप्शन डी में आना चाहिए था यहाँ पर टू और थ्री, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको वन हटा लीजिएगा क्योंकि वन को हम सॉरी थ्री को हटा लीजिएगा, थ्री में मिस्टेक है। बोथ वन एंड टू हमारा सही आंसर होगा, सॉरी आई जस्ट गॉट जम्बल्ड अप। थ्री को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ वन और टू हमारा क्लियर आंसर होगा, बाकी को हम डिलीट कर सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई समझने में। बोथ वन एंड टू एकदम क्लियर आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर आंसर है, ठीक है। स्टेटमेंट थ्री ही एक सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट था जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके भी, और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही सेम डायरेक्शंस, बर्ड्स हैव बीन बिल्डिंग नेस्ट्स फॉर ओवर 100 मिलियन ईयर्स, डायनासोर्स द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो बिल्ट टेरेस्ट्रियल नेस्ट ओवर हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, द डाइवर्सिटी वी सी इन बर्ड्स नेस्ट टूडे इज द रिजल्ट ऑफ दीज थाउजेंड्स ऑफ बर्ड स्पीशीज इवॉल्विंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स क्रिएटिंग डाइवर्स वेज टू हाउस एंड प्रोटेक्ट अ फैमिली। थ्रू आउट कंपेयर किया है बर्ड्स के जो नेस्ट बनाने के तरीकों को लेकर के, इवन 100 मिलियन ईयर्स से हम देखें तो बर्ड्स नेस्ट बना रही हैं, क्यों बनाती हैं? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कंपेयर किया पहले डायनासोर्स से, डायनासोर द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ बोल दिया क्लियरली कि डायनासोर्स जो है बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं। ऑल्सो बिल्ड टेरेस्ट्रियल नेस्ट ओवर 100 ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, द डाइवर्सिटी वी सी इन द बर्ड्स नेस्ट टूडे, जो हम आज जो चेंज हम देख रहे हैं बर्ड्स के नेस्ट बनाने में, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द बर्ड स्पीशीज, हज़ारों 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 तरीके की स्पीशीज हैं बर्ड्स में, एंड इट दे हैव बीन इवॉल्विंग इन द डिफरेंट एनवायरमेंट्स विच हैज़ क्रिएटेड डाइवर्स वेज टू हाउस एंड प्रोटेक्ट अ फैमिली। हम देखते हैं थ्रू आउट यहाँ पे बर्ड और नेस्ट की बात की गई है कि हज़ारों सालों से उनकी जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व होती गई और नए नए तरीके के नेस्ट बनाती रहीं। अब यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रीजन दैट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ क्लियरली पूछा है कि बर्ड्स क्यों नेस्ट बनाती हैं, वो तो हमने पहले ही देख लिया, दे हैव टू प्रोटेक्ट अ फैमिली, यहाँ आपने बताया है दे हैव टू हाउस समथिंग। चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं आगे जो हमें बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रीजन दैट बर्ड शुड मेक नेस्ट। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं द नेस्ट परफॉर्म अ फिजिकल जॉब ऑफ हाउसिंग एंड प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एग्स, ये तो हमने देख लिया बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा ये। बर्ड्स एग्स यानी उसकी फैमिली, और उसको बचाने के लिए, उसको हाउस करने के लिए वो नेस्ट बनाती है, इमोशनल सेंस से भी मुझे पता है। द नेस्ट सेव द एग्स फ्रॉम वल्नरेबल वेदर एंड प्रीडेटर्स, बिल्कुल जब वहाँ पर कुछ आंधी तूफान आएगा या तो उसमें नेस्ट में अगर वो एग रहेगा तो उसके बचने के चांसेस ज़रूर होंगे, इवन प्रीडेटर्स से बचने के लिए, क्योंकि चारों तरफ कांटों की झाड़ होगी तो कोई प्रीडेटर अगर उसकी तरफ बढ़ेगा तो वो नेस्ट एग तक नहीं पहुँच पाएगा। प्रीडेटर यानी सांप या कुछ इस तरीके के एनिमल्स जो एग्स को खाते हैं। थ्री देखते हैं द नेस्ट आर ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यंग, बिल्कुल उसके यंग जितने भी अब वहाँ पर एग्स आप देखोगे जब एग्स हैच करते हैं तो वहाँ यंग के रहने के लिए थोड़े दिन के लिए कुछ एक जगह बन जाती है। इट इज़ द लोकेशन वेयर द यंग्स एक्चुअली लर्न टू दे बिकम बिग, दे बिकम डेवलप्ड, उनके विंग्स निकलने लगते हैं, वो वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं जंप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नेस्ट के अंदर ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ तीनों चीज़ें एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं। बहुत ही सिंपल आंसर होगा, बहुत ही क्लियर आंसर होगा, ऑल ऑफ वन टू थ्री हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। जी हाँ, तो ये रहा इसका सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं, तीन टू लाइन में मैंने इसको समझा दिया क्यों ऑल ऑफ द थ्री इज़ द वेरी क्लियर आंसर। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आज के, ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। थोड़े से डायरेक्शंस यहाँ चेंज होंगे, थोड़ी सिचुएशन भी यहाँ चेंज होगी। चलिए पहले डायरेक्शन देखते हैं क्या होता है। अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय सिक्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर छह स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, तीन नहीं है, छह स्टेटमेंट्स हैं। पैसेज भी गिवन है, पहले पैसेज भी देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, सिंपल वही रीजन पूछने की कोशिश की गई है, तो पहले हम क्या देखेंगे, पैसेज, और क्या रीजन पूछा वो भी देखेंगे। परसीवेबल ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन द लाइट ऑफ द सन, यानी हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो लाइट जब सन की पड़ती है तो हम क्लियरली देख पाते हैं। अगर मान लो सन ना हो, अंधेरा हो चारों तरफ, तो हम क्या देख सकते हैं? जी नहीं, हम उनको ऑब्जेक्ट को आर्टिफिशियल लाइट से तो देख सकते हैं बट नेचुरल लाइट से नहीं देख सकते।
तो जब हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, उसको हम परसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सन इज नॉट प्रूव्ड बाय द सीन ऑब्जेक्ट्स। अगर हमने कभी सन को ना देखा हो, सपोज करो, और हम सिर्फ पेड़ को देख के ये बोल दें कि इस पर जो लाइट आ रही है वो सन से आ रही है, क्या मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ? क्या इस चीज को हम मान लें कि इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि सन एग्जिस्ट करता है? चलिए, तो ऑथर कह रहा है, तो इट इज प्री सपोज्ड बाई द एग्जिस्टेंस और परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख करके क्लियरली बोल सकते हैं कि सन एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसी की लाइट में मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं, ठीक है। लाइक वाइज, अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही टफर लेवल का क्वेश्चन हो सकता है अगर आप ये चीज नहीं समझ पाए। अब यहाँ क्लियरली क्या एनालॉजी दी गई है, क्या कंपेरिजन करने का, लाइक वाइज जब बोलेंगे तो समझ में आ गया कि कुछ बोलने की कोशिश की गई है, फाइनली क्या प्रूफ करने की कोशिश की गई है। लाइक वाइज ऑल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्री सपोजेस हिज एग्जिस्टेंस। एक ही लाइन में आपने बहुत सारी बात बता दी। अगर हमें वो प्रूफ ढूंढना हो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, ठीक है, तो हम प्री सपोज करेंगे उसका एग्जिस्टेंस, हिज एग्जिस्टेंस यहां बोल दिया है, बहुत ही घुमा के बताया है उस चीज को। गॉड के एग्जिस्टेंस, जैसे सन का एग्जिस्टेंस हम कैसे परसीव कर पाते हैं, हम चीजें देखते हैं, वैसे ही अगर हम गॉड का एग्जिस्टेंस को अगर हम प्रूफ में लाने की कोशिश करें, तो हम प्री सपोज करेंगे उसका खुद का एग्जिस्टेंस, कि वो एग्जिस्ट करता है, ये हम मान के चलेंगे, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। घुमा के बताया है, बड़ा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज रीजंस दैट गॉड इज प्री सपोज टू हैव एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे छह सिचुएशन दी गई हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि क्यों हम प्री सपोज करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, क्यों हम प्रिज्यूम करके चलेंगे, क्यों हम एज्यूम करके चलेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अब हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा, हमें पहले क्या बताने की कोशिश की, सन के एग्जिस्टेंस को लेकर के, कि अगर कभी हमने सन को भले ही ना देखा हो लेकिन उसकी लाइट में हम सामान जो कुछ भी देख पाते हैं, कुछ जो चीज़ें हम देख पाते हैं, ट्रीज देख पाते हैं, झरने देख पाते हैं, रिवर देख पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं से वो लाइट आ रही है और वो सन से आ रही है, उसका एग्जिस्टेंस हम प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको ही कंपेयर किया होगा किसी ना किसी सिचुएशन से, वो हमें ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, जस्ट एज लस्टर हार्डनेस एंड येलोनेस आर इनहेरिट इन गोल्ड एंड वाइटनेस फ्रेग्रेंस एंड सॉफ्टनेस आर द कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कैम्फर, एग्जिस्टेंस नॉलेज एंड ब्लिस आर इंटीग्रल टू गॉड। बहुत ही इमोशनल सेंस से ऑथर ने इस सिचुएशन को बनाया है। इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की कि जैसे गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सोने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें लस्टर होता है, थोड़ी हार्डनेस होती है और उसके अंदर एक येलोनेस शाइनीनेस होती है, और जैसे कैम्फर यानी कि कपूर में जैसे आप देखते हो वाइटनेस या फ्रेगनेस या सॉफ्टनेस, वैसे ही गॉड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका एग्जिस्टेंस और नॉलेज और ब्लिस के लेवल पर हम बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल जो नॉलेज हमें है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गॉड। क्या ये एक रीजन है दैट वी शुड बी प्री सपोज टू हैव हिज एग्जिस्टेंस? बहुत ही अच्छा रीजन नहीं हो सकता, ये बहुत ही सुपरफ्लुअस आंसर होगा। क्या मैं इस बात से प्रूव कर पा रहा हूँ कि गॉड इज एग्जिस्टेंस? जी नहीं, बिल्कुल क्लियर, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। गॉड्स एग्जिस्टेंस, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, गॉड्स एग्जिस्टेंस इज बियॉन्ड प्रूफ और डिसप्रूफ। नॉलेज ऑफ गॉड डज नॉट डिपेंड ऑन श्रुति, रेवलेशन, द इटर्नल वर्ड, इन्फरेंस और परसेप्शन। मतलब अब यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि गॉड को प्रूव नहीं कर सकते आप, उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते, उसको डिसप्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉलेज ऑफ गॉड डज नॉट डिपेंड ऑन दी श्रुति, रेवलेशन, दी इंटरनल वर्ड, इन्फरेंस और परसेप्शन। इन पांचों में से किसी पर भी गॉड का प्रिजम्पशन हम नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके नॉलेज ऑफ गॉड को हम इस इन पाँचों से ढूंढ पाएंगे। बड़ा कन्फ्यूज़ करता हुआ आंसर होगा ये भी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, तो इसको भी मैं फिलहाल रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे लॉजिकल माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा है इस समय। चलिए देखते हैं थ्री क्या कहता है। टेकिंग दी एनालॉजी ऑफ अ मैन, अब यहाँ पे एनालॉजी की बात की, जैसे आपने वहाँ पे एनालॉजी की बात की थी सन की। टेकिंग दी एनालॉजी ऑफ अ मैन हु इज स्लीपिंग इन अ डीप फॉरेस्ट वेयर देर आर नो अदर मैन, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट ही इज नॉन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही इज नाइदर परसीव्ड बाय अदर्स नॉट डज ही परसीव हिमसेल्फ। अब अगर कोई एक इंसान हो जो कि जंगल में है, कहीं है किसी जंगल में वो है, पर वो है, क्या उसे किसी ने देखा? नहीं देखा। क्या उसने अपने आप को कभी देखा? जी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई जंगल में कोई मिरर तो होगा नहीं, तो उसने अपने आप को अपना चेहरा भी नहीं देख सकता वो।
ये हम मान के चल रहे हैं, क्या हम इस बात को लेकर के बोल सकते हैं कि वो इंसान उस जंगल में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं? ऐसे ही हम गॉड के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि गॉड को हमने कभी अपनी प्रत्यक्ष आंखों से तो नहीं देखा है और ना ऐसा कोई प्रूफ है हमारे पास। पर क्या इस बात को बोल करके हम ये बोल सकते हैं कि गॉड नहीं है कहीं पे भी? जी नहीं, हम नहीं बोल सकते ना, ये हम नहीं बोल सकते। हो सकता गॉड कहीं हो भी, कहीं एग्जिस्ट करते हो, बट ये चीज़ को लेकर के मैं परसीव नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं इस एनालॉजी को लेकर के मैं गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव ज़रूर कर सकता हूँ। जैसे उस इंसान का एग्जिस्टेंस हमने प्रूव कर दिया, हमने बोला कि हाँ वो तो जंगल में कहीं ना कहीं है बट हमने उसे देखा नहीं है कहीं, लेकिन वो ये हम बोलते हैं कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ये हम नहीं बोल सकते। ऐसे ही गॉड को भी हम नॉन एग्जिस्टेंट नहीं बोल सकते। तो बहुत ही कन्फ्यूज़ करता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये जो एनालॉजी प्रूव की गई है, ये जो किसी चीज़ के ना होने का इस बात से प्रूव करना कि वो चीज़ नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप छोड़ सकते हो। बहुत ही टफर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रीज़न हो सकता है ये जो एनालॉजी है, ताकि हम प्री सपोज ना कर सकें, प्री सपोज कर सकें फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। क्योंकि हमने गॉड को कभी देखा नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि वो एग्जिस्टेंट है। चलिए ठीक है, ऑप्शन फोर देखते हैं। द सोर्सेज ऑफ नॉलेज मैनी मे पॉइंट टूवर्ड्स द गॉड बट आर नॉट प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस। ऑब्वियस बात है कि बहुत से हमारे पास सोर्सेज हैं नॉलेज के, हमने पढ़ा है कहीं किताबों में कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली द एग्जैक्ट प्रूफ, क्योंकि हमने एग्जिस्ट करते हुए तो देखा नहीं गॉड को, कभी परसीव तो किया नहीं, अपनी आंखों से देखा तो नहीं है, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सिक्स कहता है, अक्रिम डिवोशन नेचुरल डिवोशन इज द ओनली मीन्स ऑफ रियलाइजिंग गॉड, वाइल भक्ति अकॉर्डिंग टू दी अदर वेदांतीज इज अ मीन्स टू मुक्ति लिबरेशन। तो ये बहुत ही सुपरफ्लुअस आंसर होगा फिर से, कि सिर्फ अगर आप भक्ति करेंगे और लिबरेशन की तरफ अगर आपको बढ़ना है, मुक्ति की तरफ बढ़ना है, तो भक्ति एक ऐसा रास्ता है भगवान की तरफ जाने का। चलिए ठीक है, तो ये आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे को लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ नहीं बता पाएगा कि हम क्यों गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रीसपोज नहीं कर सकते, तो इसको भी मैं रिजेक्ट करूंगा। ऑप्शन सिक्स क्या कहता है, गॉड इज द ओनली रियालिटी विथ पावर एंड विजडम एज एट्रीब्यूट्स, दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, डिस्टिंग्विशेबल बट नॉट सेपरेबल। बहुत ही सुपरफ्लुअस आंसर होगा, कहीं से लॉजिकली प्रूव नहीं कर रहा है मुझे। सिर्फ ऑप्शन थ्री मुझे ऐसा दिखा जो कहीं ना कहीं मेरे आप आर्ग्यूमेंट को प्री सपोज करता है, ठीक है, काफ़ी हद तक एक एनोलॉजी प्रोवाइड करता है। जैसे वो सन वाली एनोलॉजी थी, वैसे ही ये मैन वाली एनोलॉजी थी, और किसी हद तक ये इस थ्योरी को भी प्रूव करता है कि गॉड को किसी ने देखा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड होते नहीं, हो सकता गॉड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली थ्री, और जो कि क्लियरली ऑप्शन ए में दिखेगा हमें। थोड़ा सा टफर लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको आप छोड़ सकते हो, बहुत ही सुपरफ्लुअस क्वेश्चन हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट हमें ऐसा क्वेश्चन भी देखने चाहिए। और इसका सोल्यूशन अगर आपको पढ़ना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा है इस चीज़ को, आप इसको पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको क्लियरली पढ़ के आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। जो मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप इस सेशन से आपको कुछ समझ में आया हो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं रीजनिंग को लेकर के। आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आपको मेरे सेशंस कुछ ठीक लग रहे हों तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है देख करके, पढ़ता हूँ मैं उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट सेशन में करेंगे फिर से FIGS के कुछ क्वेश्चंस जो कि फ्रेश होंगे, बिल्कुल सुपर फ्रेश क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टिल देन, जय हिंद।